वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे जो कि है यूनिट 5 से सेकंड सेम्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू कहाँ मैग्नेटिक मोमेंटम वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ के जो बाकी टॉपिक है मैंने ये सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक रह गए थे तो इसको मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये यूनिट 5 का है, जैसे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट का हम यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, और ये जो बाकी टॉपिक्स आप देख रहे हैं तो ये सारे टॉपिक मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसे चेक कर जरूर कर लीजिएगा। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेम की जो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहें। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक मोमेंटम मोमेंट में ए और ई स्टेट अरेंजमेंट का कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन इंक्रीज स्टेट का होता है। टेट्राहेड्रल निकल सेकेंड, ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट सेकेंड और ऑर्बिटल आयरन सेकेंड में स्पिन ओनली मोमेंट से हायर होता है। मतलब कि यहाँ पे जो कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उसमें जो ए और ई स्टेट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है अरेंजमेंट का कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट इंक्रीज करना है तो क्या होगा, उसमें जो टेट्राहेड्रल होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, कोबाल्ट होते हैं, आयरन होते हैं, तो ये जो भी होते हैं उनके लिए क्या होता है ओनली मोमेंटम से हायर होता है। ठीक है, लेकिन हम केवल ऑक्टाहेड्रल यानी कि निकिल सेकेंड और ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट के लिए स्पिन मोमेंट एक्सेप्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर इतनी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, लेकिन हमको इसके किसके बारे में यहाँ पर आपको ज्ञात करना है या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल निकिल के बारे में और टेट्राहेड्रल कोबाल्ट के बारे में। ठीक है, अब कह रहा है कि किंतु कॉम्प्लेक्स की मोमेंट वैल्यू वास्तव में स्पिन ओनली मोमेंटम मोमेंट वैल्यू से हायर होती है। वास्तव में हम पाएंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें डी एट जितनी ग्राउंड टर्म ए बी होती है वे मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू स्पिन ओनली मोमेंट से हाई वैल्यू शो करते हैं, जब भी सभी टर्म स्पिन सॉरी जब भी कभी टर्म सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ ए और बी ग्राउंड स्टेट के ऊपर होती है तब कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक्सीटेटेड यानी इंक्रीज टर्म से ए और बी टर्म में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग मैकेनिज्म द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस मिश्रित प्रभाव से दृष्टि में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के आधार पर ऑर्बिटल्स का एक्सपेक्टेशन उचित नहीं है, इसलिए ग्राउंड टर्म में कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, एफ ही ए और बी टर्म में कुछ टी कैरेक्टर्स होगा। तो अब इसमें जो भी थ्योरीज हमने पढ़ी इसके हम आगे देखेंगे किसका क्या काम होगा, क्या काम आएगा आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप यू स्पिन ओनली टू फाइव फाइव प्लस वन, और यहाँ पे मतलब कि इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि हम इसमें एग्जिट स्टेट वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यूफ्लेक्टिव यानी कि यहाँ पर दिया गया वन अपॉन टू डी अपॉन टेन टेन डी टेन क्यू यू स्पिन ओनली ई ग्राउंड इस टर्म के लिए हमारे पास है टू यानी कि समानुपाती है दो, और ए ग्राउंड टर्म के लिए समानुपाती है फोर। तो यूजीएल बराबर टू वन माइनस फोर लेमडा अपॉन डी टेन डी क्यू, तो उसमें जो हमारा जो मान रखा हुआ था हमारे पास यू स्पिन ओनली तो उसका मान है हमारे पास फाइव फाइव प्लस वन। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। उपरोक्त समीकरण कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्वांटिटेटिव जोड़ती है। उपरोक्त समीकरण के अनुसार टेन डी क्यू अधिक होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट कम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगर ये होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट जो होगा इसका क्या होगा, कम होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था तभी ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का कम होगा माइनस वन। प्रबल डोनर लिगेंड ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूशन को कम करते हैं और भी आगे यू के साइन पर निर्भर होने के कारण यू स्पिन ओनली वैल्यू से अधिक या कम होगा।
अब D7 टेट्राहेड्रल के लिए यहाँ पर कोबाल्ट सेकेंड जो है 4A2D है, ऑक्टाहेड्रल एनिकिल सेकेंड 3A2G के लिए म्यू नेगेटिव होता है, इसलिए इफेक्टिव प्रभावी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन ओनली मोमेंट वैल्यू से अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे पास DQ होगा तो उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल CR3 के लिए 4A2G के लिए जो व्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू स्पिन ओनली मोमेंटम वैल्यू से कम एक्सेप्ट की जाती है 3A2G स्टेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 5 + 1 = इसकी जो दो तीनों इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 5 = 1, अतः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर UF2 1 - 4λ जो हमने फॉर्मूला दिखा था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ के जो मान है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर XmNu²β²+3kT - nβ²/3k7 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.41 - 4λ/d 10d³। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो एन बीटा यहाँ ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये सेम आ जाएगा, फिर जो है इसका जो गुणा हुआ है यहाँ पर तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा 1 - 3λ/10d³। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये जब ये माइनस हुआ तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, अब सेकेंड ऑर्डर जीमेन ससेप्टिबिलिटी कंसीडर करने पर XM यानी फाइनल स्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर XM टोटल होगा N β² / 3k7 0.8, और यहाँ पर जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वो क्या होगा -1 8λ/10dQ, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 8N β² / 10dQ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई स्पिन D5 ऑक्टोहेड्रल सिस्टम के लिए फील्ड फ्री रसल साउंडर टर्म C6 65 का रोटेशन अन्य नॉन डिगिन रख 6AIG टर्म में परिवर्तन हो जाता है। ऑर्बिटल सिंगलेट टर्म होने के कारण इसमें कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस नहीं होता है। यहाँ पर कोई समान स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म नहीं है, जिसके साथ 6AIG स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग मैकेनिज्म का जो है सेकेंड जीमेन इफेक्ट द्वारा इंटैक्ट हो सके। अब आगे देखते हैं, अब आगे कह रहा है कि अतः मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू सही रूप से स्पिन ओनली फॉर्मेशन यानी कि B.98 bm द्वारा दी जा सकती है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट यानी कि थर्ड की ग्राउंड टर्म यानी 1 AG है, और कॉम्प्लेक्स टाइप मैग्नेटिक जब भी +100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 CGS यूनिट पॉजिटिव ससेप्टी ब्लिटिस सेकेंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट की वजह से हायर लिगेंड फील्ड टर्म 1TIG1A2G के साथ उत्पन्न होती। कोई स्पिन ऑर्बिटल नहीं पाई जाती क्योंकि ग्राउंड टर्म और एक्सिटेड डाई एनेटिक होती है। सेकेंड ऑर्डर जीमेन 5 ssept @nβ²/10dQ होती है। ग्राउंड टर्म ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन D4 लो स्पिन D7 और D9 आयन्स में पाई जाती है। सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हायर T2 टर्म के स्पिन ऑर्बिटल इंट्रेक्शन G की वैल्यू देता है जो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे जो है G की वैल्यू हमारे पास दी गई है बराबर 2.00, तो इसका जो हमारे मान प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर 1 - 2λ/10dQ। अब जब हम यूसेफ निकालेंगे 1/2λ आ जाएगा यहाँ पर, ये साइड में आ जाएगा, और ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो
तो ये यू स्पिन होगा ओनली, ठीक है। अब टू ई ड्रीम्स के लिए फाइनल एक्सएम इंक्लूडिंग द सेकेंड ऑर्डर जीमिन इफेक्ट, तो एक्सएम टोटल हमारे पास जो दिया हुआ था एन बीटा स्क्वायर अपॉन 3 KT होगा, यहाँ पर 0.3 लिखेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास पहले मान हुआ था 1 - 4 / 10 dQ + 4 d / 10, तो 5F टर्म के लिए हमारे पास S बराबर 2, सो दैट एक्स एम टोटल बराबर एन बी टी अपॉन 3 KT 2 4, और ये सेम यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका प्राप्त हो जाएगा 4 NB बीटा स्क्वायर / 10 dQ। अब आगे देखते हैं, अब आगे कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वेन क्यूब 4 के लिए डेल की वैल्यू होती, इसलिए यह एक्सेप्ट किया जाता है कि आउटर रिजल्ट सी यू 5 के लिए लेमडा नेगेटिव हो, तो हम से एक्सेप्ट करते हैं कि यूएफ इस पिन से अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑर्बिटल कॉन्स्टिट्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो थ्योरी दी गई है उसको आपको अगर आप थ्योरी की वजह से काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मेन टॉपिक है, जो मेन मेन थ्योरी है आप उसको लिख कर भी, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर फॉर्मूला और सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसको आप लिखकर इसके बारे में थोड़ी सी टॉपिक लिखकर भी आप इसको कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, और अगर लॉन्ग नोट्स के लिए आता है तो ये आपको सारा कम्प्लीट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया हो, सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।